अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चंजो स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? शेरू भाई आया, शेरू आज इंडिया जीतेगा, मैं बता रहा हूँ, शेरू इंडिया जीतेगा आज। अच्छा शेरू भाई, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी साइड पे हो जाओ। मैं नहीं हूँ साइड पे, मैंने एनालिसिस करने हैं। बाद में करेंगे ना बाद। ओ तंग आया है मुझे शेरू। तो हाँ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आज खेला जा रहा है। पहला टेस्ट मैच खेला जाना है आज, जो कि प्रोबेबली खत्म नहीं होगा पर शुरू हो जाएगा। खत्म होना बहुत मुश्किल नजर आएगा क्योंकि आज की वेदर अपडेट बहुत अच्छी है, लेकिन अगले चार दिन वेदर अपडेट बहुत बुरी है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद प्रीव्यू करेंगे। बेशक हमें पता है कि मैच होना मुश्किल है, बट प्रीव्यू करना मस्ट है, तो प्रीव्यू करेंगे हम। शेरू ने मारा मुझे आज पे। अब ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द टॉपिक। आज पहला टेस्ट मैच होगा, और अगर आप वेदर का पूछें तो आज सारा दिन 20% बारिश के चांसेस हैं, विद सन और सन निकलेगा नॉटिंघम के अंदर। बट अगले चार दिन, तीन दिन तो बारिश ही बारिश है, लेकिन अगले चार दिन भी बारिश एक्सपेक्टेड है, यानी कि मैच पूरा होना बहुत मुश्किल है। और ये नहीं कि थोड़ी बारिश है, कल शायद आपको आधा दिन देखने को मिल जाए, बट उसके बाद रोज़ बारिश और 50-50% चांसेस बारिश के उसके बाद रोज़ है, जो कि एक बहुत बुरी खबर है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखना पड़ेगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड कैसे जाता है, किस लाइन के ऊपर जाता है। और पहला टेस्ट मैच तो मुश्किल ही होता है कि पूरा नजर आए, लेकिन आज जो पहला है वो पहला शुरू तो आज हो जाएगा, बाकी लेट्स सी खत्म होता है नहीं होता है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके ऊपर मैं आपको कल वेदर की अपडेट दूंगा। आज की वेदर की अपडेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और शाइकी ने क्रिकेट को देवर विटनेस क्रिकेट बेस्ट स्टार्ट। यहाँ कमिंग ऑन टू द सेकंड थिंग, दैट इज अबाउट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, यू नो प्रीव्यू करते हैं। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का आज जो मैच है उसके अंदर इंडिया क्या प्लेइंग 11 खिला सकता है, अगर उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करें तो मेरे ख्याल से ओपन करना चाहिए केएल राहुल के साथ रोहित शर्मा को। वन डाउन अगर आप बात करें तो आई थिंक आएंगे पुजारा, फिर कोहली, और फिर फिटनेस के काफ़ी इश्यूज हैं तो वो भी देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक अभी आप सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ को अभी तो आप टीम के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि वो नए आ रहे हैं। और जो पहले वो बनती है, बारी बनती है, वो केएल राहुल की है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो पहले से टीम के साथ है, तो थोड़ा सा इनजस्टिस भी हो सकता है कि यार वो पहले से टीम के साथ थे। पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव बाद में आ रहे हैं, बट सूर्य कुमार यादव टेस्ट क्रिकेट के लिए भी काफ़ी अच्छे प्लेयर सामने नजर आते हैं, और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं सूर्य कुमार यादव टेस्ट क्रिकेट के लिए भी। वो अपनी इनिंग्स को बिल्ड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, एंड ही कैन डू दैट रियली वेल एज वेल। पॉइंट एज वेल उसके अलावा बोलेंगे, अगर आप बात करें खूबी को ये लोग लेके नहीं जाते हैं, आई थिंक सिराज को आज खेलना चाहिए, और मेरी 11 के अंदर सिराज होंगे, उसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह और फिर ईशान शर्मा या मोहम्मद शामी में से एक बॉलर। आई थिंक शामी वुड बी प्रेफर्ड, बट आई थिंक होना चाहिए यहाँ पर एक स्पिनर की जगह आप अश्वन या जडेजा की जगह रखें आप यहाँ पर मोहम्मद सिराज को, या तो आपको फिर एक बैट्समैन की जगह रखना पड़ेगा, बैट्समैन कह रहा हूँ, एक फास्ट बॉलर की जगह रखना पड़ेगा। बुमराह पारण सिंह निकलेंगे टीम से, एंड सेम को उसमें शामी, ईशान शर्मा का रिकॉर्ड इंग्लैंड में काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी एडजस्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन परफॉर्मेंस इतनी नहीं आई थी बॉलिंग साइड से इन द न्यूजीलैंड WTC फाइनल, तो या एक ये भी एक पॉइंट है देखने के लिए। अगर आप इंग्लैंड की बात करें, स्टोक्स उनके लिए अवेलेबल नहीं है, वैसे उनके पास काफ़ी इंजरीज के इश्यूज भी चल रहे हैं, फिर रेस्ट भी दिया है उन्होंने प्लेयर्स को, तो इंग्लैंड के लिए भी एक प्लेइंग 11 अब जो बनाना है वो मुश्किल होगी। और आई थिंक इंडिया इज़ गोना स्टार्ट एज द फेवरेट्स। अब आपको ये वीडियो आई होगी पसंद, वीडियो आई है पसंद तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में लगे बेल आइकन बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे अब हम पोस्ट मैच पोस्ट डे एनालिसिस। चलो मैं शेरू को शुरू करूँ।